हेलो, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आइडियल क्लासेस। हेलो फ्रेंड्स, तो स्टूडेंट्स, आज हम लेक्चर 4 में मीन की सीरीज में स्पेसिफिक प्रॉब्लम्स पढ़ेंगे ऑफ मीन। स्पेसिफिक प्रॉब्लम में तीन तरह के प्रॉब्लम्स होते हैं, होता है लेस देन केस, मोर देन केस एंड मिसिंग फ्रीक्वेंसी केस। तो आज हम बात करेंगे इस लेक्चर के माध्यम से मीन का। एक स्पेसिफिक प्रॉब्लम है लेस देन केस। जब हमारा क्लास इंटरवल लेस देन के केस के अकॉर्डिंग होता है तो उसका मीन कैसे फाइंड करते हैं स्टूडेंट्स, बहुत ध्यान से देखना है। हमारा प्रॉब्लम है कि फाइंड मीन ऑफ डेटा। इसमें क्लास दिया है और फ्रीक्वेंसी दिया है। क्लास में दिया है लेस देन 10, लेस देन 20, लेस देन 30, लेस देन 40, लेस देन 50, लेस देन 60, लेस देन 70, लेस देन 80। फ्रीक्वेंसी गिवन है 5, 12, 20, 25, 30, 32, 35, 40। अब इसका हम सॉल्यूशन फाइंड करेंगे, ध्यान से देखिएगा। इसका हम सॉल्यूशन कैसे फाइंड करते हैं, तो सॉल्यूशन इसमें स्टूडेंट हम 4 कॉलम बनाएंगे, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड 4 कॉलम बनाएंगे इसमें, ठीक है। 4 कॉलम, फर्स्ट में रहेगा क्लास इंटरवल, सेकंड में फ्रीक्वेंसी, थर्ड में एक्स और लास्ट में एफ एक्स। ये 4 कॉलम बनाएंगे। अब सबसे पहले हम क्लास इंटरवल को, क्लास जो हमारा लेस देन में है उसे क्लास इंटरवल में कन्वर्ट करेंगे। कैसे करेंगे स्टूडेंट, ये हमें देखना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, देखो यहाँ पे कितना है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। तो हम 8 डैश लगा दो, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। हमने 8 डैश लगा दिया, ठीक है स्टूडेंट्स। अब क्या करेंगे, हमारा जो लेस देन केस में जो राइट वाली वैल्यूज है उसे राइट साइड में लिख लेंगे। राइट वाली वैल्यूज क्या है, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70 एंड 80। हमने क्या करा, राइट वाली वैल्यूज को राइट साइड में लिख दिया, मतलब अपर लिमिट में लिख दिया, अपर लिमिट वाला। अब हमें लोअर लिमिट क्रिएट करना है। यहाँ पे लोअर लिमिट नहीं है, देखो डैश 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 है, लेस देन के फॉर्म में है हमारा लोअर लिमिट। इसके लिए क्या करते हैं, इसलिए हम स्टूडेंट शुरू करते हैं। देखो इस 10 का जो हमारा ये पहले का अपर लिमिट है, अगले का लोअर लिमिट हो जाएगा। 10 यहां आ जाए, क्या हो जाएंगे, 20। अभी 10 यहां आएगा तो ये 10 हो जाएगा। अब अगले का अपर, इसका अपर अगले का लोअर हो जाएगा, लोअर लिमिट। इसका अपर अगले का लोअर लिमिट हो जाएगा, इसका अपर अगले का लोअर लिमिट हो जाएगा, ये इसका अपर अगले का लोअर लिमिट हो जाएगा, इसका अपर अगले का लोअर लिमिट हो जाएगा, इसका अपर अगले का लोअर लिमिट हो जाएगा, हो गया। लेकिन स्टूडेंट हमें पहले की लोअर लिमिट नहीं पता है, फर्स्ट की जो है लोअर लिमिट नहीं पता है। तो हम ये देखेंगे कि इन दोनों में डिफरेंस कितने का है, दोनों डिफरेंस कितने का है, ये अपर 10 है, ये 20 है, डिफरेंस कितना, अंतर कितना है, 10 का। तो जितना देखो, अब इसका इसका अपर लिमिट क्या है, पहले वाले का अपर लिमिट क्या है, 10 माइनस। अब इन दोनों का जितना डिफरेंस है, कितना डिफरेंस है, 10 और 20 में डिफरेंस कितना, 10। जितना डिफरेंस होगा, मतलब डिफरेंस माइनस करेंगे तो 10 माइनस डिफरेंस क्या है, 10 इक्वल टू क्या आ गया, 0। डिफरेंस इस वाली वैल्यू में इन दोनों का डिफरेंस को माइनस करा, जो आएगा वो लिख देंगे लोअर लिमिट में पहले का। अब आपका क्लास इंटरवल ये बन गया। अब हम फ्रीक्वेंसी देखेंगे स्टूडेंट। इसमें फ्रीक्वेंसी में सबसे पहले क्लास इंटरवल की फ्रीक्वेंसी है 5 और ये इन सारी सीरीज में फ्रीक्वेंसी में सबसे कम है। हम गलती क्या करते हैं, इसी फ्रीक्वेंसी को हम जो कॉपी कर लेते हैं, जो हमारा गलत हो जाता है, क्योंकि ये फ्रीक्वेंसी एक्चुअल फ्रीक्वेंसी नहीं है, ये कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी है, इसे हम एक्चुअल फ्रीक्वेंसी में कन्वर्ट करते हैं। इसके लिए सब देखो, सबसे छोटे वाले क्लास इंटरवल की फ्रीक्वेंसी सबसे कम होगा, इसे हम यहाँ पे जो है कॉपी कर लेंगे 5। अब हम 12 में 5 माइनस करेंगे, 12 में माइनस करेंगे 5 माइनस करेंगे, 12 में 5 माइनस करेंगे 7 आ जाएगा, 20 में माइनस करेंगे हम 12 को तो 8 आ जाएगा, 25 में माइनस करेंगे 20 को क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा, 30 में माइनस करेंगे 20 को, माइनस करें स्टूडेंट, माइनस 30 माइनस का 20 को फिर 5 आ गया, 22 में माइनस करेंगे हम 32 में माइनस करेंगे 30 को तो 2 आ गया, 35 में माइनस करेंगे 32 को 3 आ जाएगा, 40 में माइनस करेंगे 35 को तो 5 आ जाएगा,
हमारा फ्रीक्वेंसी आ गया 5 7 5 7 8 5 5 2 3 5। ठीक है स्टूडेंट्स, अब इसे हम ऐड कर लो, क्या हो जाएगा 5 4 7 12 12 और 8 20 25 25 25 5 30 32 32 32 33 35 35 45 40। ध्यान रखिएगा जब इसे हम ऐड करेंगे तो इसकी सबसे हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी के इक्वल आनी चाहिए। ये होगी हमारी फ्रीक्वेंसी। अब निकालेंगे x, x क्या होता है मिड पॉइंट, तो मिड पॉइंट का फॉर्मूला क्या होता है लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइड बाय 2, 10 प्लस 0 प्लस 10 10 डिवाइड बाय 2 5, 20 प्लस 10 प्लस 20 30 डिवाइड बाय 2 15, 20 प्लस 30 15 डिवाइड बाय 2 25, 30 प्लस 40 70, 70 डिवाइड बाय 2 35, ऐसे अगले का आ जाएगा 45, अगले का आ जाएगा 55, अगले का आ जाएगा 65, अगले का आ जाएगा 75। अब हमारा x आ गया, f आ गया, अब हम f और x को आपस में मल्टीप्लाई करके लिखेंगे 5 into 15 105 10 into 25 200 5 into 35 175 मल्टीप्लाई करना है 5 into 45 200 25 2 into 55 110 3 into 65 195 5 into 75 यह आ जाएगा 375। अब हम इस fx को हम कर लेंगे ऐड, यह आएगा 1410, ऐड कर लेना आप कैलकुलेटर से। अब सारा आ गया, अब हम लगा देंगे यहाँ पे फॉर्मूला, x बार इक्वल टू होता है स्टूडेंट सिग्मा एफ एक्स अपॉन कैपिटल एन इक्वल टू 14010 डिवाइड बाय 40, 10 से 10 कट गया, क्या आ गया 141 डिवाइड बाय 4, डिवाइड कर दीजिए, डिवाइड करने पर आएगा 35.25, ये आपका आ गया x बार, यही आपका आंसर है। ओके स्टूडेंट, एक बार फिर से जो है रिपीट कर रहे हैं हम, ले जो है लेस देन वाले को हम क्लास इंटरवल में कैसे चेंज करेंगे, तो जो लेस देन वाले का राइट साइड जो वैल्यूज हैं लेस देन में उसको हमने यहां अपर लिमिट बना दिया। ठीक, अब लोअर लिमिट कैसे बनाएंगे, पहले वाले क्लास इंटरवल की अपर लोअर, अपर पहले अगले का लोअर हो जाएगा, इसका अपर अगले का लोअर, इसका अपर अगले का लोअर, इसका अपर अगले का लोअर, ये ऐसे होता चला जाएगा। ठीक, इसका अपर अगले का लोअर, ये 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 अपर अगले का लोअर हो जाएगा। लेकिन अभी हमारा ये वाला प्लेस बाकी था, ये वाला प्लेस निकालना ही सबसे बड़ी बात होता है। इसका क्या होता है, फर्स्ट क्लास इंटरवल का जो हमारा अपर लिमिट है, अपर लिमिट इसका फॉर्मूला है अपर लिमिट माइनस डिफरेंस, ये फॉर्मूला है इसका लोअर लिमिट निकालने का फर्स्ट वाले का। लेस देन केस में अपर लिमिट है 10, तो लिख दिया देखो यहां पे 10। ठीक है, अब डिफरेंस कितना है, हम अपर दो अपर लिमिट का देखेंगे, तो इसका अपर लिमिट 10 है, इसका 20 है, इन दोनों का डिफरेंस कितना है 20 माइनस 10 करेंगे 10 आएगा, डिफरेंस कितना है 10, 10 में 10 माइनस का 0, 0 आ गया, लिख दिया मैं 0। अब ध्यान दीजिए हमें फ्रीक्वेंसी को भी चेंज करना होता है, ध्यान रखिएगा कि लेस देन केस में क्लास को भी चेंज करना होता है, फ्रीक्वेंसी को भी चेंज करना होता है, क्योंकि ये फ्रीक्वेंसी ये कम्युनिटी फ्रीक्वेंसी के फॉर्म में होता है। कम्युनिटी फ्रीक्वेंसी क्या होता है, जब मीडियम पढ़ाएंगे तो उसमें डिस्कस करेंगे। इसमें सबसे कम वाले क्लास इंटरवल की फ्रीक्वेंसी हमेशा कम होती है, तो ये तो सेम रहता है 5, उसके बाद 12 माइनस 5 7, 20 माइनस 12 8, 25 माइनस 20 5, 30 माइनस 25 5, 32 माइनस 30 2, 35 माइनस 32 3, 40 माइनस 35 5 आ गया। उसके बाद इसका निकाला मिड पॉइंट, उसके बाद इन दोनों का मल्टीप्लाई किया, ऐड किया, फॉर्मूला अप्लाई कर दिया, इसका आंसर आ गया। ओके स्टूडेंट, अभी हम आपको होमवर्क दे रहे हैं जो आपको करना है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो लिखिए क्वेश्चन, फाइंड मीन ऑफ डेटा, ये आपका होमवर्क है, खुद से ट्राई करिएगा। प्रॉब्लम 2, यहाँ पे क्लास है, क्लास और यहां दिया गया है फ्रीक्वेंसी। ठीक है, क्लास है लेस देन 20, लेस देन 40, लेस देन 60, लेस देन 80, लेस देन 100, लेस देन 120, लेस देन 140, फ्रीक्वेंसी इज 8
25, 31, 49, 65, 88 एंड 100। इसकी आपको क्या करना है, इसका मीन फाइंड करना है। ओके स्टूडेंट, आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि हम लेस देन केस को कैसे सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे मोर देन केस। ओके, थैंक यू, टेक केयर।